Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So, आज की वीडियो है नो फाउंडेशन मेकअप लुक जो आप रेगुलरली वेयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग हेवी और केकी. और ये मेकअप लुक आप कैरी कर सकते हैं इन अपकमिंग रमज़ान एंड इवन टू योर ऑफिसेज एज वेल. तो हाँ, और मैंने इस वीडियो को अल्ट्रा अफोर्डेबल रखा है और सब प्रोडक्ट्स का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सब वहाँ से लिख सकते हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल यूज़ किया है फ्रॉम द ब्रांड तिजोरी. आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं एंड अगर आप फ्रेश प्लांट से लेते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है. मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर और मॉइस्चराइज़र. अब मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लेवेंडर वाटर. ये ना सिर्फ मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा बट फेस पर एक रेडियंस भी लाएगा, को वही चाहिए. सो या, एंड इसकी स्मेल थोड़ी सी बॉदर करती है पर ये आपकी स्किन को बहुत हेल्दी और ड्यूवी दिखाएगा जो कि बेस्ट पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लुक का. अब अगले स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर. ये मैंने रिसेंटली नायका से ऑर्डर किया था और ये एग्जैक्टली मेरे को मैच करता है. अब मैं इसे लगाऊंगी आईज़ के नीचे और उन उन एरियाज़ पर जहाँ मेरे को एक्ने स्कार है. और इसे मैं 2 मिनट के लिए रखूँगी सेटल होने के लिए और फिर उसके बाद अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी विद द ब्यूटी ब्लेंडर. आप कोई स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. मैं इस कंसीलर को अपने कॉन्टोर के नीचे लगाकर भी ब्लेंड कर रही हूँ. इससे कॉन्टोर के नीचे की स्किन हाईलाइट होगी जो कि डायमेंशन देगा आपके फेस को. नेक्स्ट मैं इस कंसीलर को सेट कर रही हूँ यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर. आप ऐसे कॉम्पैक्ट यूज़ करें जिसमें SPF हो. मैं लॉरियल का यूज़ कर रही हूँ जिसमें SPF 34++ है जो कि मेरे को सन प्रोटेक्शन भी देगा. नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ यूजिंग मिस क्लियर आईब्रो पेंसिल. नॉर्मली मैं ये स्टेप नहीं करती बट सिंस मेरी इस बार आईब्रोज ख़राब करती थी आंटी ने तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा. ये आपकी आईज़ को ओपन रखेगा. तो मैं 2 कोट्स कर रही हूँ अपर एंड लोअर लैश लाइन दोनों पर. आप लोअर लैश लाइन पर अगर नहीं लगाते आप मस्कारा लगाइए एंड यू सी द मैसिव डिफरेंस. आइज़ को फर्दर डेफिनेशन देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्राउन काजल. ये बहुत ही सॉफ्ट लुक देगा और ज़्यादा ओवर भी नहीं लगेगा. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की लिपस्टिक. ये मेरी सेकेंड ट्यूब है इस शेड की.
एंड अब इस लिपस्टिक को मैं ब्लश की तरह लगा रही हूँ। और हाँ, ये थी नो फाउंडेशन मेकअप लुक। आई होप आप सबको पसंद आएगी, और अगर आए तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। मैं आपको जल्द ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।